सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद, स्टॉक मार्केट में रोजाना नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 61,500 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के आगाज से ही जबरदस्त तेजी जारी। इंडेक्स 771 पॉइंट्स इजाफे से 61,501 पर पहुंच गया। मुआशी माहरीन को आइंदा दिनों में मईशत पर मजीद अच्छी खबरों की उम्मीद। उधर इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होकर 285.60 रुपये का हो गया। मैं समझता हूं कि जमहूरी तकाजों का भी यही मंशा है कि हमें इलेक्शन जो है वो वक्त पर हर सूरत होनी चाहिए। इलेक्शन बर वक्त होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद और मैं लाहौर की अदालतों में पेश हो रहा हूँ। शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। बोले पूरे शरीफ खानदान ने जो सोबतें झेली वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मजीद बोले 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की साजिश हुई, उनकी सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है जो नाकाबले मुआफी जुर्म है। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल केस की समाअत 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। हमजा शहबाज की आज हाजिरी से इस्तिसरा की दरख्वास्त मंजूर। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड के केसेस, चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल करने का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज केसेस की समाअत अडियाला जेल में करेंगे। गुज़श्ता रोज़ खसूसी अदालत ने भी सिक्योरिटी खदशात की रिपोर्ट पर साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने का फैसला किया था। साइफर केस के जेल ट्रायल का काबीना से भी मंजूरी लेने का फैसला। तोशाखाना केस में नाअहली का डर, चेयरमैन पीटीए ने पार्टी सरबराही छोड़ दी। शेर अफजल मरवत के बयान की बैरिस्टर अली जफर ने भी तायद कर दी। बोले जेल में चेयरमैन पीटीए से मुलाकात में चंद फैसले हुए। चेयरमैन पीटीए के इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने का फैसला आज हो जाएगा। नए चेयरमैन के लिए 3 से 4 नामों पर मुशावरत के बाद एक फाइनल हो गया। शेर अफजल बोले नए चेयरमैन का ऐलान आज 2 बजे हो जाएगा। चेयरमैन पीटीए इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उधर तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का दावा गलत करा दे दिया। मजीद कहा चेयरमैन की दस्तबरदारी या किसी और की नामजदगी का फैसला भी नहीं हुआ। शेर अफजल जवाबी ट्वीट में अपने बयान पर कायम हैं। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाप्त। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन आज अपीलों पर समाप्त करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कवायदो जवाबत से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया। गुज़िश्ता समाअत पर नवाज शरीफ के वकला ने हाजिरी से इस्तिसना का मुतालबा किया था। जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभाले 1 साल मुकम्मल। आर्मी चीफ ने डिफॉल्ट की जानिब जाती मईशत की बहाली का बेड़ा उठाया। सिर्फ 1 साल में ही मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया। रुपए की कदर मुस्तहकम, डॉलर को लगाम डाली गई, महंगाई को ब्रेक लगी, पेट्रोलियम कीमतों में कमी आई, स्मगलिंग जखीरा अंदोजों और माफियाज के गिर्द शिकंजा कसा गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रोजाना नए रिकॉर्ड कायम करने लगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 1 साल, सिक्योरिटी और सिफारती महाजों पर भी अहम कामयाबियां। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दीगर ममालिक से ताल्लुकात की बेहतरी में भी अहम किरदार। 1 साल के दौरान कई अहम और कामयाब गैर मुल्की दौरे किए। नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करने के लिए कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का सहरा भी आर्मी चीफ के सर। दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन का कहना है आज कौम में एतमाद है, मईशत बेहतर है। कोई सियासी लीडर पर आज एक तो कौम में कॉन्फिडेंस है कि चीज़ें अभी पाकिस्तान की वापस पटरी पर आ गई और एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पर जा रहा है। सिक्योरिटी की आप देख लें, इसके अंदर बड़े बड़े डिसीजन हुए हैं। जो टेररिस्ट हैं उनके अगेंस्ट 1 लाइनर पॉलिसी थी कि देर इज़ नो टॉलरेंस और नो स्कोप फॉर टेररिज्म। कलम दवात से रावलपिंडी की दोनों सीटें जीतूंगा, शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आवाम महंगाई से परेशान है, जो वोट मांगने जाएगा उसे लग पता जाएगा। आवाम इंतखाबात का जज्बा नहीं। थाना कसार के मुकदमे में शेख रशीद की जमानत कन्फर्म हो गई। आईनी तरामीम पर मशावरा
आईनी तरामीम पर मुशावरत और इंतखाबी अलायंस का अगला मरहला। नून लीग और एम क्यू एम रहनुमाओं के दरमियान आज इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। बल्दियाती इदारों के मालियाती और इंतजामी इख्तियारात के लिए आईनी तरामीम और सीट एडजस्टमेंट पर गौर होगा। नून लीग सिंध का वफद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक तहफुजात पर बात होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की दुबई से वतन वापसी, आज क्वेटा जाएंगे। कल पार्टी के यौम तासीस जलसे से खिताब करेंगे। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक आसिफ अली जरदारी भी क्वेटा के जलसे से खिताब करेंगे। पार्टी की सीनियर कयादत भी क्वेटा जाएगी। बिजली 3.53 रुपये फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। इजाफा अक्टूबर 2023 की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मत में मांगा गया। CPPA की दरख्वास्त पर नापरा आज समाप्त करेगी। मंजूरी से बिजली सार्फिन पर 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 रिकॉर्ड। मकामी तौर पर टाउन हॉल के अतराफ़ में फ़जाई आलूदगी की शरह सबसे ज़्यादा 326 तक जा पहुँची। उधर महकमा मौसमियात ने आज खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई कर दी। पहाड़ी इलाकों में सर्दी में इजाफा। सिंध में तमाम टैक्सेस चालान और फीस एक ही जगह जमा कराए जा सकेंगे। सिंध में ई पे सिंगल कलेक्शन पॉइंट बनाया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए तमाम टैक्सेस और चालान जमा होंगे। सिंध काबीना ने पंजाब की तर्ज पर ई पे कलेक्शन की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में एमडी कैट टेस्ट के नतीजे का ऐलान। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुताबिक 34,852 तलबा ने टेस्ट दिया। कामयाबी का तनासब 75% रहा। 6 उम्मीदवारों ने 192 नंबर लेकर टॉप किया। MBBS के लिए 21,206 तलबा कामयाब करार पाए। गैर कानूनी मकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। मजीद 1,195 अफगान शहरी अपने मुल्क लौट गए। अगस्त 2022 से अब तक 3,85,000 से ज्यादा अफगानी वापस आ चुके। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए भारी कोचिंग स्टाफ ऐलान हो गया। नवीद अकरम चीमा टीम मैनेजर, मोहम्मद हफीज डायरेक्टर टीम, एडम होलियक बैटिंग कोच होंगे। उमर गुल को फास्ट बॉलिंग कोच, सईद अजमल को स्पिन बॉलिंग कोच और अब्दुल मजीद को फील्डिंग कोच मुकर्रर किया गया। साइमन ग्रांट हेलमेट हाई परफॉर्मेंस कोच और मंसूर राणा असिस्टेंट टीम मैनेजर होंगे। टीम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कल ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। और टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा बहरी जहाज तैयार। आइकॉन ऑफ द सीज आइंदा साल जनवरी में पहले सफर पर रवाना होगा। 9,950 अफराद की गुंजाइश वाला बहरी जहाज 1,198 फीट बुलंद और 2,50,800 टन है।